हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम आपको ईगल काइट बना के दिखाने वाले हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको ईगल काइट बनाए थे। तो वीडियो में हमारे को अपनी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा था, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बढ़िया से ईगल काइट बना के दिखाने वाले हैं, जो कि कई भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी आपकी ये काइट उड़ नहीं रही है। और इसी वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे कि ये काइट कैसे उड़ती है। चलिए भाई लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह परफेक्ट किस तरह बनती है ये काइट, हमारी ईगल काइट। तो चलिए भाई लोगों, हमारे को बनाने के लिए क्या सामान की लोड पड़ेगी। तो हमारे को चाहिए होगा न्यूज़पेपर, और चाहिए होगा मार्कर, और चाहिए होगा पेंसिल। पेंसिल आप ले सकते हैं, आपकी आप चाहे तो पेंसिल भी ले सकते हैं। और चाहिए होगा काटने के लिए सीजर, और चाहिए होगा टेप, और झाड़ू की तिल्लियाँ चाहिए होंगी हमारे को। हमने देख सकते हैं, हम झाड़ू की तिल्ली ले रखे हैं इतनी सारी। तो आप झाड़ू की तिल्ली भी ले लीजिएगा, नहीं तो आपके पास पतंग का तिल्ला होगा तो भी ले सकते हैं। तो हमारे को न्यूज़पेपर कौन सा लेना होगा, जैसे कि हमारे पास ये न्यूज़पेपर है, हमारे पास ये न्यूज़पेपर है पूरा, ये डबल वाला है, डबल है, हमने आधा नहीं लिया, पूरा डबल लेना है। आपने भी डबल लेना है और हमने भी ये डबल ले रखे हैं। चलिए भाई लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या करना होगा, ये डबल पेपर है ना, डबल पेपर को हमने ऐसे बीच में से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना होगा, इसमें मार्कर लेना है, नहीं तो आपने पेन ले लेना है, नहीं तो पेंसिल ले लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने पहले ऊपर ऊपर की ओर रखना है, ऐसे ऊपर की। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा कैसे हम बना रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ऊपर की ओर रखना है और इसको ऐसे इसको इस तरह आपने निशान देना है, इसको इस तरह देना है, इस तरह। इसको पहले ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, फिर इसका ये पर वाला हिस्सा बनेगा। चलिए भैया लोगों, इसे निशान देते हैं हम, आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं। तो इस तरह आपने निशान देना है इसको। इस तरह देने के बाद फिर आपने इधर से ऐसे पकड़ना है और फिर इसको ऐसे हल्का ऐसे ऐसे करते करते इसको जाके उसमें मिला देना है। तो भाई लोग ऐसे ही करना है हमने। उसके बाद हमने इसका पूंछ का डिजाइन देना है। तो पूंछ का डिजाइन देने के लिए सिंपल, हमने ऐसे यहाँ पकड़ना है, इसको ऐसे घुमा देना है, फिर इसको हम यहाँ पकड़ेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारी अब ईगल काइट बनके अब तैयार हो जाएगा जब इसे कटिंग करेंगे। तो चलिए भाई लोगों, क्या करते हैं, अभी इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं, ये हमारी काइट बहुत बढ़िया बन जाएगी। चलिए भाई लोगों, इसको फिर कटिंग करके निकालते हैं। कटिंग करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, पहले ऊपर से कटिंग करते हैं इसको। पहले यहाँ से हम कटिंग करते हैं ऊपर की ओर से, तो हम यहाँ से ऊपर से कटिंग करते हैं। ऊपर वाला तो हमने हिस्सा कटिंग कर लिया, अब हम कटिंग करेंगे नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ये ज्यादा चौड़े में है, तो इसलिए हम इसको नीचे वाला हिस्सा कटिंग करते हैं पहले। तो भाई लोग, हमने कटिंग करके इसको निकाल दिया, अब हमारे पास ये शेप आ चुका है पूरा ईगल काइट का। चलिए इसे ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। देख सकते हो आप लोगों, पूरा ईगल काइट में पूरा तैयार बन के हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ये पूरा शेप देख सकते हो, कितना बढ़िया शेप लग रहा है इसका। चलिए भाई लोग, अब इसमें क्या करते हैं, हम पूछ पे हल्का डिजाइन देना पड़ेगा हमारे को, साइड में डिजाइन देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे इसको, और फिर इसके पहले पूछ पे डिजाइन देंगे हम। तो पूछ पे डिजाइन कैसे देना है, इसका जैसे पर का निशान होता है, तो हमने पर वाला निशान देना है इसको। तो हमने ऐसे इसको पकड़ना है ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे कर देना है इसको, हल्का 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 ऊपर लेके जाके, फिर इसको ऐसे निकालना होगा हमने। इस तरह कटिंग कर करके सारा इसको बनाना पड़ेगा हमारे को। चलिए भाई लोग, फटाफट हम बना देते हैं। तो भाई लोग, आप देख सकते हो हमने इसे कटिंग करके निकाल दिया। इसको क्या करेंगे, हम घींच देंगे जो हमने कटिंग कर रखा है। तो हमने ऐसे कर दिया इसको, हमने घींच दिया इसको। तो अभी हमारे पास देख सकते हो कैसा ये शेप निकल चुका है। तो ये शेप जो निकला होगा हमारे पास पूरा ईगल काइट जैसे होता है, इस तरह का शेप निकल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जिस तरह हमने इधर बनाया है उस तरह ही हमने इसके पर के नीचे बनाना है। चलिए फिर हम इसके पर के नीचे ही बना देते हैं। फिर हम इसके यहाँ पे कोने में पकड़ना है, हमने कोने पर यहाँ पे नीचे सबसे नीचे पकड़ना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, फिर हमने यहाँ से इसको जिस तरह हमने उधर दिया है इसका परका टाइप का, उस तरह ही इधर भी देना है हमने। तो भाई लोग, हमने इसे कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कटिंग कर दिया इसको, तो ऐसे जो हमने कटिंग किया इसको घींच देंगे, तो ऐसा सारे निकल जाएंगे।
चलिए भाई लोगों क्या करते हैं, हम कटिंग सारे घीचकों को घींच देते हैं। चलिए फटाफट हम घींच देते हैं इनको। जो ये शेप निकलेगा हमारे पास, जो जिस तरह पर होता है ईगल काइट का, ईगल का, उस तरह सेम टू सेम उस तरह निकल चुका है। देख सकते हो भाई लोग, इसे आप ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया शेप निकल चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है नल है, पूरा बढ़िया, जिस तरह ईगल, जिस तरह पूरा ईगल होता है उस तरह लग रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम तीले लगाने हैं इसको, पहले हमने सीधा वाला तीला लगाना है, फिर ऐसे राउंड वाला तीला लगाएंगे हम, ऐसे राउंड देंगे इसको। चलिए भाई लोगों, फिर इसको हम तीला लगाते हैं। तो तीले लगाने के लिए हमने इतने तीले ले रखे हैं, आप झाड़ू के तीले कोई भी ले सकते हो। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले बीच वाला हिस्सा देते हैं इसको। तो बीच वाला हिस्सा देने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे इसको और इसको हम नाप के इसके बराबर का तोड़ लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने बराबर हमने नाप लिया इसको, चलिए यहाँ से तोड़ देते हैं। तो हमारा बीच वाला हिस्सा तो आ चुका है, अब बीच वाला हिस्सा आ चुका है। चलिए इसको क्या करते हैं, हम टेप लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं। आप चाहे तो ग्लू से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप टेप से भी यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि टेप से भी हमारी काइटें बहुत बढ़िया बन जाती है। तो हमने नीचे लगा दिया इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लगाएंगे, चिपका देंगे बढ़िया से, ताकि हमारा ये तिल्ला इधर से उधर भागे ना। तो हमने इधर लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर लगा देंगे। तो भाई लोग, हमने बीच वाला हिस्सा लगा लिया इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसे राउंड वाला हिस्सा देंगे। तो राउंड वाला हिस्सा देने के लिए हम झाड़ू के तिल्ले ले लेते हैं। तो झाड़ू के तिल्ले आप देख सकते हो, हमने बड़े साइज में ले रखे हैं। आप चाहे तो, जो आपके पास छोटा झाड़ू है, तो छोटे झाड़ू को हम क्या करेंगे, दो तिल्ली लेंगे, दो तिल्ली को ऐसे ऐसे पकड़ के इसको ऐसे टेप मार देंगे तो ये बड़ा तिल्ला हो जाएगा। तो इसलिए हमने बड़ा तिल्ला एक ही ले लिया है। आप चाहे तो, आपके पास तिल्ला नहीं है तो आप बड़ा भी ले सकते हो, जोड़ सकते हो उसको। तो चलिए भाई लोग, हमने बड़ा तिल्ला ले रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, पहले इसको नाप लेंगे, बराबर में आ जाएगा। चलिए भाई लोग, देख लेते हैं कि ये बराबर में आ जाएगा। पहले ये वाला हिस्सा इधर का हल्का सा मोटा है, तो हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे यहाँ से, क्योंकि ये पूरा हमको बराबर शेप में देना होता है, तो ये जाके बढ़िया, तभी बढ़िया काइट बनती है। तो आप देख सकते हो, ये पूरा परफेक्ट शेप में आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा परफेक्ट शेप में आ रहा है, ना ये छोटा है ना बड़ा है, पूरा परफेक्ट शेप में आ रहा है। इधर से भी बराबर आया, इधर से बराबर आ रहा है। तो हमने नाप लिया, यहाँ से हम तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ से हमारी ये काइट अब बननी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए भाई लोग, अब क्या करते हैं, इसको हमने नाप लिया इसको, तो अब क्या करते हैं, इसको हम टेप लगा। तो भाई लोग, आप देख सकते हो, ये पूरा परफेक्ट शेप में आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अब टेप लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेप निकालना होगा, इसको ऐसे हमने नापना है पहले एक बारी, इसको पहले हम एक बारी नापेंगे, तो ये पूरा बढ़िया में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले पकड़ना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे टेप लगा देना है हमने। टेप हमने यहाँ पे नुक्कड़ पे पकड़ के, इसके पूरा नुक्कड़ पे, फिर हमने टेप लगाना है इसके, तभी जाके बढ़िया से चिपकता होता है। तो भाई लोग, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है, ये पूरा बढ़िया से चिपक जाएगा इसमें। चलिए अब, तो भाई लोग, पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने तिल्ला यहाँ पे लगा लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे टेप लगाएंगे, तब जाके पूरा स्टेबल हो पाएगा ये। चलिए भाई लोग, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेप निकालते हैं, पहले यहाँ पे हम टेप लगा देते हैं, क्योंकि स्टेबल यहीं से होता ही है। तो हम यहाँ पे टेप लगाते हैं पहले, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा टेप लगा दिया हमने, तो यहाँ पे स्टेबल हो गया अच्छे से। अब इसको ऐसे घुमाएंगे हम, यहाँ पे ले आके यहाँ पे नुक्कड़ पे इसको चिपका देंगे, ऐसे ही हमने इसको बनाना होता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बढ़िया काइट बन के रेडी हो जाएगा। तो भाई लोग, यहाँ पे पहले हमने चिपकाया, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ पे चिपकाएंगे हम, तभी जाके काइट हमारी पूरी स्टेबल हो पाएगी। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो, पूरी काइट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तिल्ले को पकड़ेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे टेप लगा देंगे। तो अब देख सकते हैं, हमारी ये ईगल काइट बनकर पूरी रेडी हो चुकी है, ये पूरी हमारी ईगल काइट बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो ये चीज़ है, जब हम इसको फ्लाई करेंगे तो ये हल्का टेढ़ा हो जाएगा, देख सकते हो, ये हल्का टेढ़ा हो रहा है। तो इसे टेढ़ा ना हो, तो यहाँ से हम एक तिल्ला ऐसे लगा देंगे, एक तिल्ला ऐसे लगा देंगे। चलिए भाई लोगों, एक तिल्ला हम लेते हैं, एक तिल्ला लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर से लगाते हैं, फिर इसको उधर से लगाते हैं। तो हमने एक तिल्ला ले लिया, पहले यहाँ से नाप लेते हैं हम, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा सही आएगा। तो एक यहाँ पे हमने नाप लिया, फिर हम क्या करेंगे, इधर से नाप लेंगे, ऐसे इधर से नापेंगे, तो इधर से भी पूरा सही आ जाएगा। यहाँ से भी हमने तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले एक को लगाएंगे,
एक हमारा ये है, एक पहले लगाएंगे यहाँ पे। चलिए भाई लोग हम टेप निकालते हैं और फिर इसके यहाँ पे चिपका देते हैं, हल्का सा ऊपर करके इसको सेंटर में करके रखना है हमने, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो भाई लोगों हमने यहाँ पे एक चिपका दिया, अब फिर से टेप निकालेंगे इसको हल्का सा इधर करके, ताकि पूरा बराबर में रहे, इसका पूंछ हल्का इधर से उधर उड़े ना। तो ये देख सकते हैं पूरा सही हमने चिपका दिया। अब दूसरे वाले को चिपकाते हैं, इसको यहाँ पकड़ेंगे हम, इसको हमने ऐसे पकड़ के देख लेना है पूरा बराबर में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये हमारा पूरा बराबर में आ रहा है, देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, पहले बीच में टेप लगा देंगे हम। तो बीच में लगाने से पूरा हमारा काइट स्टेबल हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे हम चिपकाएंगे इसको। तो हमने यहाँ पे चिपका दिया, तो ये पूरा अच्छे से पूरा बराबर हो चुका है। ये हमारी अब ईगल काइट पूरी बन के अब रेडी हो चुकी है, देख सकते हो पूरी कितने बढ़िया लग रही है हमारी ये काइट। और यहाँ पे हमने टेप लगा दिया। तो भाई लोगों पहले हमने क्या किया, पहले इसका शेप निकाला है, फिर उसके बाद बीच वाला तीला लगाया, फिर हमने गोल वाला तीला लगाया, फिर साइड वाला दो तीले लगा दिए। तो भाई लोगों कमेंट करके बताओ हमारी काइट कैसी लगी। तो इसमें हमने कन्ने कैसे बांधने हैं, तो कन्ने बांधने के लिए सिंपल, आप लोग कमेंट कर रहे थे इसमें कन्ने कैसे बांधने हैं, तो कन्ने बांधने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, पहले एक सुराख हमने इस पास से कर लेना है, फिर एक सुराख हमने इस पास से करना है, दो सुराखें ऐसे दो सुराखें करके और उधर से बांधना है, और एक सुराख हमने इधर करना है, एक सुराख इधर करना है। तो भाई लोगों इसमें हम कन्ने को इन्हें बांधते हैं, आप बताना कमेंट करके हमारी काइट कैसी लगी, ईगल काइट ना लेकिन इतनी बढ़िया शेप में बनके पूरी रेडी हो चुकी है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दाब लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।